जी अनिल जी, अनिल जी वी गार्ड ये मेरा पोजिशनल कैटेगरी का स्टॉक है आज 285 पर 285 पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा दैट वुड बी एट 239। सो 285 पर खरीदे, 239 का स्टॉप लॉस रहेगा वी गार्ड पर। एंड अनिल जी जो इसके टारगेट्स मेरे ऊपर की तरफ निकल कर आ रहे हैं दैट कम्स टू 375, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। एंड 430 ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। सो 375 430 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे वी गार्ड। इसमें बहुत ही बढ़िया यानी जी कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया है, काफ़ी समय से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। इनफैक्ट ओवरऑल अगर कंसोलिडेशन में देखो अनिल जी तो 2018 से और उसके बाद एक लाइफ हाई लगाया, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन मोड में गया और फिर यू नो इसमें फिर से एक ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिला है अबाउट द लेवल्स ऑफ 270-275 लेवल्स। तो रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया, हैंस रिस्क रिवॉर्ड इज एब्सोल्युटली इन फेवरेबल एंड ऑफ द बुल्स। एंड जो हिसाब से अनिल जी मोमेंटम में क्लियर एक बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला है राइट ऑन द डेली वीकली एंड मंथली चार्ट्स एज वेल, दिस इंडिकेट्स दैट कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा यहाँ से और वॉल्यूम्स में भी एक अच्छी बढ़त देखने मिली। वी गार्ड जहां पर आपको करनी है खरीदारी 375 और फिर 430 के बड़े टारगेट्स के लिए आइए एक 10 की कमाई है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से लेते हैं उनका स्टॉक भी। सर बताएं